हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका जांगिड़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कॉन्टोरिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों को, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल भी कॉन्टोरिंग का नहीं पता है कि हम कहाँ लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और अब तक अपने मेकअप में कॉन्टोरिंग को उन्होंने ऐड नहीं किया है, तो ट्रस्ट मी, आप एक बार कॉन्टोरिंग देख लीजिए कैसे करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका जो मेकअप का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। आपको बेसिक जो नॉलेज है कॉन्टोरिंग की आज इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं। गाइज, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि हमारे नियरेस्ट ही गणपति की आरती हो रही थी, तो इस वजह से मैं अपनी वॉइस नहीं दे पा रही थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए कॉन्टोरिंग के लिए? आपको चाहिए कॉन्टोरिंग, आप पाउडर कॉन्टोरिंग ही लें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और ये पैलेट जो है वो मियोन की है, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे फिनिश करना है अपने कॉन्टोरिंग को। तो आप अपने ईयर के ऊपर वाले हिस्से से लेंगे कॉन्टोरिंग, और अपनी नोज़ के 3 फिंगर के बाद से इसको फिनिश करेंगे या स्टार्ट करेंगे। मतलब आपको इतने ही पार्ट में अपने कॉन्टोरिंग को यूज़ करना है। प्रोडक्ट लेंगे एंड उसको थोड़ा सा टैप करके डस्ट ऑफ कर लेंगे, जो भी एक्सेस होगा वो निकल जाएगा। इस तरीके से सिर्फ इतने ही हिस्से में अपने फेस की आपको कॉन्टोरिंग करनी है, चीक्स की कॉन्टोरिंग करनी है। आप देख सकते हो सिर्फ इतने, बहुत आगे तक नहीं लाना है अपनी नोज़ के। आप एग्जैक्टली इसी तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है। आप देख सकते हो ईयर के ऊपर से लेकर आना है और यहाँ तक लेकर आना है इसको। 3 फिंगर्स आप जो पार्ट है उसे छोड़ देंगे नोज़ से, क्योंकि जब आप आगे तक ले आते हैं तो वो बहुत बेकार लगता है। आप इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। और इस साइड मैंने लगा लिया कॉन्टोरिंग पाउडर, अब इस साइड हम लगा रहे हैं। और ये कॉन्टोरिंग जो होता है ये डार्क ब्राउन शेड होता है, बट इसमें भी कई शेड आते हैं। आपको एग्जैक्टली आपके फेस पर कौन सा जा रहा है उसको ध्यान में देखना होगा, ठीक है। अब हम नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए, आप को ब्रश वगैरह अवॉइड करें, आप अपनी फिंगर की हेल्प से करें, इससे काफ़ी अच्छे से कॉन्टोरिंग होती है और आपको पता होता है एग्जैक्टली आपको कहाँ पे लगाना है। इस तरीके से अपनी नोज़ पे लगाएंगे, आइज़ के पास से स्टार्ट करते हुए नोज़ के जो ऊपर पार्ट होता है, ठीक है, यानी फुल नोज़ को आपको कवर करना है। ऐसे करके लगाएंगे और 2 लाइंस बनाएंगे पैलर में, आप देख सकते हो दोनों लाइंस, और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल इनको जॉइन नहीं करना है। फोरहेड पे लगा लेंगे हल्का सा और अपनी जो लाइन पे लगाएंगे, जैसे मैंने अभी शो किया है। जो लाइन पे लगाने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके डबल चिन है या नहीं भी है तो आप हल्का सा प्रोडक्ट लें, अगर डबल चिन है तो आप थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पे लगाएं एंड चिन के एरिया में, ताकि आपकी डबल चिन का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से लगाना। गाइज, आप देख सकते हो मैंने कॉन्टोरिंग लगा ली है, जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग लगाई हुई है। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि डीजे वगैरह बज रहा है तो नियरेस्ट, तो इस वजह से ये नॉइज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट। एंड अब हमने जैसे कॉन्टोरिंग कर ली है तो अब हम इसको क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप ब्लेंडिंग करेंगे, आप देखो मैंने लाइट कॉन्टोरिंग करी है, आप अपने अकॉर्डिंग लाइट एंड डार्क रख सकते हैं, और ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग नहीं करनी है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा हैवी फेस है तो आप एक बार को हैवी कॉन्टोरिंग कर सकती हैं, बट अभी हम बिगनर के तौर पर सीख रहे हैं कॉन्टोरिंग, तो हम लाइट कॉन्टोरिंग करेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब भी चीक की ब्लेंडिंग करेंगे हम इसको नीचे की तरफ ना लाके हम इसको अपर डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आप इस तरीके से, और इस तरीके से माउथ करेंगे तो हमारा जो फीचर्स हैं वो अच्छे से हाईलाइट होते हैं कॉन्टोरिंग के लिए। आप इस तरीके से कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से कर सकते हो, अगर ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं और इसको टैप करते हुए अपर डायरेक्शन में करेंगे। एंड बिल्कुल आइज़ के पास भी नहीं ले जाना है, ना नीचे ले जाना है, बस ये जो हमारा इतना एरिया है ना, इसके ऊपर हमारी कॉन्टोरिंग रहेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप जब खुद पे ट्राई करेंगे ना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप देख सकते हो कितना इजीली ब्लेंड हो गया है। अब इस साइड भी हम ब्लेंड कर लेंगे। आप
आप देख सकते हैं दोनों साइड की ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब हम नोज की ब्लेंडिंग या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही कर सकते हैं, वेट से मैं प्रीफर करती हूँ, मैं तो अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरीके से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मेकअप में मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमारा मेकअप फ्लॉलेस है या नहीं। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो वो लाइंस दिखती हैं और कॉन्टोरिंग सबसे ज़्यादा बेकार लगती है जब हम उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करते। आप देख सकते हो कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब इस पर हाइलाइटर लगा लेंगे आप, बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड जो लाइन को हम कैसे कॉन्टोर करेंगे, जिनकी डबल चिन का एरिया होता है मैं हमेशा बोलती हूँ उससे काफ़ी हद तक आपका जो डबल चिन है वो हाइड हो जाता है, लेकिन आपको इस पोर्शन की जो लाइन की इस तरीके से करेंगे ब्लेंडिंग, ठीक है, इधर की साइड भी इस तरीके से करेंगे और जो ये चिन पे हमने लगाया है कॉन्टोरिंग इसको हम डाउन डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्टोरिंग का शेड जो है वो करेक्ट पिक करना है। बहुत ज़्यादा डार्कर शेड पे नहीं जाना वरना आपका फेस जो है वो ब्लैक लगने लग जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके का कलर होना चाहिए, ये एग्जैक्टली जो जैसा मुझे चाहिए उसी तरीके का है। एंड मैं आपको शो कर देती हूँ, आप देख सकते हो ना तो बहुत डार्क है ना बहुत लाइट है। अगर लाइट रखेंगे तो वो ब्राउनिश टोन देगा हमारे फेस पे, अगर हम डार्क टोन रखेंगे कॉन्टोरिंग की तो हमारा फेस ब्लैक लगने लग जाएगा। तो हार्श नहीं करना है हमें अपनी कॉन्टोरिंग को, लाइट रखना है, नेचुरल रखना है ताकि लगे कि नेचुरली हमारे जो फीचर्स हैं वो उनमें इतनी शार्पनेस है। तो अगर फोरहेड आपका बड़ा है, जैसे मुझे नहीं लगता कि मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने लाइट सी कॉन्टोरिंग करी है फोरहेड पे, और अगर आपको लगता है कि आपका फोरहेड बड़ा है तो आप थोड़ा सा यहाँ तक जाएंगे और अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लेंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है, ब्लेंड कर लिया। और अगर आपको, जैसे हमने कॉन्टोरिंग कर ली, एक मैं ट्रिक आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, इससे आपके जो कॉन्टोरिंग और ब्लश है वो बहुत अच्छे से विजिबल होता है, ट्रस्ट में आप ये ज़रूर करके देखिएगा। उससे पहले मैं आपको जस्ट इसी में ही ब्लश भी ऐड करके दिखा देती हूँ कॉन्टोरिंग के साथ ही। आप इस तरीके से ब्लश पिक करेंगे और मैं इस तरीके से और उसको अप डायरेक्शन में ले जाना है। अब आप अपना हाइलाइटर लगा सकते हो। अब मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको अभी, आप देख सकते हो मेरे फीचर, हमने कॉन्टोरिंग कर ली, ब्लश लगा लिया, इसके बाद आप ये जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप कोई भी अपना यू नो कॉम्पैक्ट का स्पंज ले सकते हैं और उससे अपने जो ये फीचर्स हैं उनको क्लीन लुक देंगे। अब हम कैसे देंगे, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से जहाँ से हमने कॉन्टोरिंग लगाई थी उसके नीचे से इसको एक लाइन खींचेंगे। कैसे, आप देख सकते हो इस तरीके से कर लिया, इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, दूसरी तरफ भी लगाएंगे। हल्का सा यहाँ और इस तरीके से क्लीन करेंगे। इससे जो आपकी कॉन्टोरिंग और जो भी आपने लगाया है ना वो बहुत शार्प दिखाई देते हैं आपके फीचर्स। अभी इसको थोड़ी सी देर आप रहने देंगे, अभी आपको एक अलग से लाइन दिख रही होगी लेकिन आप 2-3 मिनट रुक जाइए और फिर हम इसको क्लीन करेंगे और आप देखिएगा आपका जो ये जो एरिया है ना वो अलग से विजिबल होता है। ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। एंड अगेन फिर हमने जैसे ये लगा लिया, अब इसको हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि मेरी, और अब आप देख सकते हो कि कॉन्टोरिंग और ब्लश कितना अच्छे से यू नो दिखाई दे रहा है। सी, तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना उनसे आपका मेकअप जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता आपको। आप देख सकते हो कितने अच्छे से कॉन्टोरिंग और ब्लश जो है वो दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा ओवर है कुछ, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी कॉन्टोरिंग कर सकते हो और अपने मेकअप का जो एक्सपीरियंस है उसे इन्हेंस कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।